मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 9 मार्च 2021। आज के दिन हम जो है 10वीं कक्षा के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 में से जो है पद्य भाग, जो पर स्पर्श भाग 2 में गद्य और पद्य हैं, उसमें पद्य भाग में से अध्याय 4, जिसका शीर्षक है मनुष्यता, यहाँ पर देख सकते हैं। तो रिवीजन के तौर पर फिर से आज जो है हम अध्ययन करेंगे। तो इस कविता का जो है अंतिम जो 8वां पंक्ति का आज हम विस्तृत फिर से जो है अध्ययन करेंगे। इसके कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। तो कविता जो है इस प्रकार है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस प्रकार जो अंतिम पंक्ति है, इसमें पूरा जो सार है मैथिली शरण गुप्त आपके सामने रखने की प्रयास कर रहे हैं। इसमें वे कहते हैं कि आपको कितने भी विघ्न आने दो, कितने भी बाधा आने दो, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है और मनुष्य को हमेशा मनुष्यता को नहीं भूलना है, वह दूसरों की मदद करते ही आगे बढ़े। तो यहाँ पर इसका विवरण देखने से पहले कुछ शब्दार्थ पहले हम देखेंगे। जैसे अभीष्ट यानी लक्षित, वांछित, इंचित है। सहर्ष यानी पहले लाइन में ही है, सहर्ष यानी खुशी से। विपत्ति जो दूसरे लाइन में है, संकट। विघ्न यानी बाधा। ढकेलते हैं वहाँ पर, ढकेलना है ना, दूर फेंकना। हेल मेल तीसरे लाइन में है, देखिए हेल मेल, मेल झोल कह सकते हैं आप। भिन्नता तीसरे लाइन में ही, भिन्नता यानी अलगाव, यानी अलग होना। अतर्क, अतर्क जो चौथे लाइन में है, अतर्क यानी तर्क से परे यानी दूर। पंथ यानी मार्ग। सतर्क पंथ यानी जो सावधान यात्री। समर्थ जो पांचवे लाइन में है, समर्थ यानी शक्तिशाली, जो समर्थ होता है। तारता पांचवे लाइन में ही, तारता यानी उद्धार करता हुआ, कल्याण करता हुआ, कष्ट हरता हुआ। तरे यानी पार हो। इस प्रकार जो है इसका जो कविता, और एक बार जो पंक्ति हम पढ़ेंगे, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस तरह जो पंक्ति है तो इसका विवरण हम देखेंगे। कवि कहता है कि ये पाठकों, देखिए वो अभी पाठकों को संदेश दे रहा है कि तुम जीवन में जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हो, यानी जो आप किस मार्ग में चलना चाहते हो, या अच्छे मार्ग में या कुकर्मों में, तो आपको अच्छे मार्ग ही चुनना है। हंसी खुशी से चलते चलो। देखिए यहाँ पर कोई आपको दुख दर्द ऐसे बातें मत करो, आपको यहाँ पर हंसी खुशी से आप क्या करना है, आगे चलते रहना है। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। देखिए आपको कोई भी संकट आए या दुविधा आए, रास्ते में बाधाएं आए, उसे आपको ढकेलना है। कोई पीड़ा जो आती है तो आपको उसे, या संकट आए तो उसे आपको डरना नहीं है। डर कर भागने से आपको वह पीड़ा फिर से जो है पीड़ित करते रहेगी, लेकिन वही आप डट कर उस
जो संकट को आप जो है तारने का प्रयत्न करेंगे, हरने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको आत्मबल भी बढ़ेगा, ऐसे यहाँ पर कवि कह रहे हैं। परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेल झोल न घटे। इसके बीच अंतराल में जो है मेल झोल जो पहले से जुड़ा हुआ वह न घटे, घटे यानी जो कम न हो, मित्रता और एकता का भाव कम न हो। देखिए, मित्रता और एकता का भाव आप कम नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि सभी जातियों के धर्मों के लोग एक सो आपसी में मिलजुल कर रह रहे हैं। इसका मतलब ये जो मेल जोल है ये कभी घटने मत दो, ऐसे यहाँ पर कवि जो है मैथिली शरण गुप्त आपसे पाठकों से कह रहे हैं कि मित्रता और एकता का भाव कभी कम नहीं होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि जो है धर्म के नाम पर जो है अधर्म फैलाना और एक दूसरे के प्रति जो है अंगारे उबालना यानी जो है झगड़ा करना या दंगे करवाना, ऐसे जो चीज़ें हैं वह मत करो, ऐसे बोल रहे हैं। आपसी जो मेल जोल है वह घटने मत देना, कम होने मत देना। मित्रता जो है बरकरार रहनी चाहिए। हमारा जो देश है विविधता में एकता का प्रतीक है, जो एकता का भाव है उसे कम न होने दीजिए, ऐसे कहते हैं। आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसी भिन्नता हो जाती है, कभी कभी कोई गलत फहमी के वजह से जो है भिन्नता जो है यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, वैसे चीज़ों को दूर रहने के लिए कहते हैं। मनुष्य मनुष्य में वर्ग जाति रंग रूप प्रांत देश आदि के अंतर न बढ़े। देखिए, यह बहुत बड़ा संदेश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको यह ध्यान में रखना है कि मनुष्य मनुष्य में वर्ग यानी आपसी वर्ग जो है नहीं करना है, जाति पाति जो है नहीं करना है, रंग जो है रंग रूप इसे भी आपको यहाँ पर लताड़ना है या यहाँ पर ठुकराना है। प्रांत देश आदि के अंतर न बढ़े। देखिए, आजकल जो है वर्ग जाति, मैं इस जाति तुम इस जाति, जब मनुष्य घमंडी हो जाता है तो इन बातों को दोहराता है, मैं इस जात का हूँ, मेरा रंग रूप ऐसा है। देखिए, प्रांत प्रांत एक छोटा सा प्रांत होते होते आगे एक देश जैसे बन जाता है, जो देश देश में आपसी जो है मिलन जो है होना चाहिए ना, बल्कि उसमें अंतर न बढ़े, ऐसे यहाँ पर जो संदेश है मैथिली शरण गुप्त जो एकता का संदेश यहाँ पर देते हुए आपको दिख रहे हैं। सभी मत पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दे। यानी जो तर्क है एकता का जो प्रतीक है उसे आगे बढ़ाने में सहयोग दे, ना बल्कि उसे तोड़ मरोड़ करना है। आप सभी एकता से एकजुट होकर रहेंगे तो आपका बल जो है द्विगुना हो जाएगा। यदि आप एकता छोड़ेंगे तो आपका जो शक्ति है वह कम हो जाएगी। इसे आपको सहयोग देना होगा, आपसे ही यह सब कुछ हो सकता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे, यानी उससे उद्धारित हो। अगला जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सब जो है एकता में जो है यहाँ पर आप एक यहाँ पर का कर्मचारी जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपसी में एक दूसरे से हंसते हुए जो है काम कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरों का भी उद्धार करने का जो है यहाँ पर जो पेड़ों से गिरे हुए पत्तों को लेकर उससे यहाँ पर थाला बनाने का काम जो है कार्य कर रहे हैं। हंसी खुशी से किसी के मुख पर दुख नहीं है, एक दूसरे से मदद करते हुए वह क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इससे जो है आपका काम का जो
शक्ति है या वेग है वह बढ़ जाएगी और आपको जो है दूसरों को भी मदद करने के लिए यहाँ पर जो है आपको सहायता मिलेगी। यहाँ पर कवि वही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे। देखिए, यदि आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपको भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी भी जो है मदद करेगा। इसीलिए आपको दूसरों की सहायता करना, दूसरों का उद्धार करना, ये आपके ध्यान में जरूर आना चाहिए। वह जन कल्याण करते करते तरे, तरे यानी यहाँ पर क्या होता है, जो पार हो। यहाँ पर जो है दूसरों के भी जन कल्याण का भी आपको सोचना है, ना बल्कि केवल अपना। यदि देखिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास कोई आपको पूछने वाला नहीं है, तो आपको पैसे लेकर धन दौलत लेकर क्या करना है। यदि आप धन दौलत कमा लिया और अचानक एक दिन आप मर गए, आपकी मृत्यु हो गई, तो उस धन को क्या करेंगे। जब आप थे तब आपको यही पैसे आप दूसरों को गरीबों में बांट दिया या खाना दे दिया, तो उनको वह आपको दुआ करेंगे, आपकी लंबी उम्र होगी। इसीलिए जन कल्याण करते करते तरो यानी आप पार हो जाओ। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के लिए काम आए। पाठकों को यही कह रहे हैं कि आपको जीवन में अच्छे मार्ग पर चलना है और रास्ते में संकट आएंगे, बाधाएं आएंगे, आपको उसे सभी को धकेलते हुए आगे आपको बढ़ने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको जो दुख है, संकट है, बाधा है, उसे ढकेलते हुए आगे बढ़ने की जो बात यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है उद्देश्य जो है आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो हम इस कविता को लगातार 8 पंक्तियों को हमने पढ़ा है, उसे एक बार 1 से लेकर 8 तक पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे, जो इस प्रकार हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। यूं ही ना यो सुमृत्यु तो रुता मरे रुता जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दूसरा पंक्ति है, उसी उधार की कथा सरस्वती बकान थी, उसी उधार से धरा कुतार्थ भाव मनाती मानती, उसी उधार की सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे देखिए अगला पंक्ति है, तीसरा, शुतार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा धतीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चौथा लाइन है, सहानुभूति चाहिए महान विभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। हा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगला पांचवा पंक्ति है, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। छठा है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभायु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बड़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
सातवें पंक्ति में मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा करे। मनुष्य मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आठवां है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस प्रकार जो है कविता, मैं अभी इसका संक्षिप्त जो सार आपके सामने कहने वाला हूँ। मनुष्य जीवन नश्वर है, अतः मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है और मनुष्य के लिए जीना मरना मनुष्यता है। संसार में सदा उसी की यशोगाथा गाई जाती है जो सारे संसार में अपनापन देखता है और सबको अपना मानता है। रंती देव, धतीची, उसी नर, कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के हित में बढ़ चढ़कर त्याग किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनसे प्रेरणा पाकर इस नश्वर शरीर का मोह न करे। वह मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार का स्थान दे। कवि मनुष्य को प्रेरणा देता हुआ कहता है, कभी धन और सुरक्षा का गुमान नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सब पर परमात्मा का हाथ है। भाग्यहीन नर वह है जो अधीर होकर हाय हाय करता है। इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है, परंतु सब मनुष्य को चाहिए कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़े। वे सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने। एक परमात्मा ही सबका पिता है। चाहे लोगों के कर्म विविध हो, किंतु अंतरात्मा से सभी एक हैं। इसीलिए हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की व्यथा हरने का या उसे पार करने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह आपस में मेल झोल बढ़ाते हुए राह के रोड़ों को हटाते हुए, यानी कष्ट को भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए तथा औरों का उद्धार करते हुए अपना भी उद्धार करें। ऐसे इस कविता मैथिली शरण गुप्त बहुत ही सुंदरता से मनुष्यता के बारे में लिखा हुआ कविता है। यहाँ पर इस कविता का जो है आठ पंक्तियों को हमने सविस्तार अध्ययन किया। संक्षिप्त में हमने इसका सारांश भी देख लिया। आपको इसके जो है प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। आप अपने घर में सुरक्षित रहे और मेरे वीडियो को जो मैं पढ़ाया है उसे ध्यानपूर्वक सुनकर अपने गृह कार्य को व्यवस्थित रूप से लिखने का कार्य आप करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।